नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सावन की तीसरी सोमवारी पर खचाखच भरे दिखे कांवड़िए। पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस विपिन मनुभाई पंचोली ने लिया शपथ। पिछले 30 सालों से जुलाई में कम हो रही बारिश। बिहार के इस विधायक के घर में सांपों ने डाला डेरा। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच के पांचवें दिन हो सकती है बारिश। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस विपिन मनुभाई पंचोली ने लिया शपथ। आज यानी कि 24 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस विपिन मनुभाई पंचोली को राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेडकर के द्वारा पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मालूम हो कि यह शपथ ग्रहण समारोह सुबह 9:30 बजे सम्पन्न हुआ। वही शपथ ग्रहण समारोह में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, अन्य जज, महाधिवक्ता, राज्य सरकार के मंत्रीगण और अधिकारीगण उपस्थित रहे। बता दें, केंद्र सरकार के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा विचार विमर्श कर जस्टिस विपिन मनुभाई पंचोली को पटना हाई कोर्ट में अपनी सेवा देने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि इनसे पहले मार्च महीने में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में केवी चंद्रन ने शपथ ली थी। सावन की तीसरी सोमवारी पर खचाखच भरे दिखे कांवड़िए। आज सावन के तीसरी सोमवारी है, ऐसे में आज पूरा अजगैबी नगरी कांवड़ियों से भरा दिखा। मालूम हो कि सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर रविवार को ही लगभग 30,000 कांवड़िए अजगैबी नगरी से गंगा जल भरकर बाबा धाम के लिए रवाना हो चुके थे। वहीं आज का दिन भी बोलबम के नारों से गुंजायमान रहा। बता दें कि सुल्तानगंज घाट पर नेपाल, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भी कांवड़िए पहुंचे। श्रावण शुक्ल षष्ठी को सावन मास की तीसरी सोमवारी व मलमासीय अति दुर्लभ सोम प्रदोष का उत्तम योग बना है। सावन मास का तीसरा व मल मास का प्रथम सोमवार सावन शुक्ल षष्ठी को हस्त नक्षत्र व शिव के प्रिय शिव योग में मनाई जा रही है। इस दिन शुभ योगों का युग्म संयोग भी बना है। आज शिव योग, रवि योग, जयद योग एवं तैतलकरण का पुण्यकारी संयोग रहेगा। पिछले 30 सालों से जुलाई में कम हो रही बारिश। जुलाई के खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां 50% से भी कम बारिश हुई है। बता दें कि पिछले 3 दशकों में जुलाई महीने में 112 मिलीमीटर कम औसतन बारिश घटी है, जिससे कि किसानों को सुखाड़ की परेशानी झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1981 से 90 के दशक में बिहार में जुलाई के महीने में औसतन 426 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। उसकी तुलना में अगले 3 दशकों से बिहार में 314 मिलीमीटर बरसात बिहार में दर्ज की गई। ऐसे में जुलाई के महीने में बारिश के अनुपात में धीरे धीरे कमी आ रही है। 1981 से 90 के दशक में जो बारिश का अनुपात 426 मिलीमीटर था, वह 2023 में 112 मिलीमीटर हो चुका है। यही वजह है कि बिहार के कई जिले सुखाड़ की चपेट में हैं। गया रफीगंज के बीच शुरू हुई सरकारी बस सेवा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए गया से रफीगंज के लिए बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि फिलहाल निगम की ओर से एक ही बस के परिचालन की शुरुआत की गई है, लेकिन जल्द ही दूसरी बस के परिचालन की भी शुरुआत की जाएगी। मालूम हो कि इस बस सेवा की शुरुआत होने से यात्रियों के समय भी बचेंगे और साथ ही उन्हें किराया भी कम देना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बस दिन में 3 बार अप और डाउन करेगी। मालूम हो कि BSRTC के क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार सिंह के द्वारा बस के किराए को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है कि गया से रफीगंज के लिए यात्रियों को 40 रुपए चुकाने होंगे, जिससे कि यात्रियों को 20 रुपए का लाभ मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट बस से सफर करने का किराया 60 रुपए है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग को मिला पहला पुरस्कार। बीते दिन नई दिल्ली में हुई अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में बिहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को पहला पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि यह प्रदर्शनी 3 दिनों तक चली, जिनमें विभिन्न राज्यों तथा बागवानी से जुड़े 140 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। मालूम हो कि यह प्रदर्शनी इसलिए आयोजित की गई थी ताकि कृषि और बागवानी उन्नति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। बता दें कि इस प्रदर्शनी में बिहार से उद्यान निदेशालय के द्वारा बिहार की चाय, मखाना तथा मखाना के प्रसंस्कृत उत्पाद शहद आधारित स्टॉल लगाए गए, जिसमें उद्यान निदेशालय के स्टॉल को बागवानी में उत्कृष्ट प्रोत्साहन के लिए एक्सपो में प्रथम पुरस्कार मिला। ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम से तकरीबन 50 लाख की शराब बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम की ओर से जी तोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसकी कुछ खास लाभ नजर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल दादर रोड में स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की है, जहाँ से एक बंद गोदाम से पटना मद्य निषेध की टीम और अहियापुर थाना की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर
छापेमारी करते हुए विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान शराब कारोबारी भागने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज, आगे की कार्यवाही में जुट गई है। एससीईआरटी के निदेशक सहित सभी अधिकारियों का रोका गया वेतन। शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार में नई भर्तियों सहित शिक्षकों के लिए चल रहे प्रशिक्षण की गति से असंतुष्ट होकर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया गया है। बता दें कि एससीईआरटी द्वारा 22 जुलाई को जारी एक परिपत्र के अनुसार निदेशक के वेतन को भी रोक दिया गया है। मालूम हो कि अधिसूचना के मुताबिक राज्य शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा 22 जुलाई को महेंद्रू पटना में एससीईआरटी के परिसर का दौरा कर निरीक्षण किया गया, जहां वह शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्य की गति से असंतुष्ट दिखे, जिसके बाद निदेशक सहित अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन को अगले आदेश तक रोकने का निर्णय ले लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एससीईआरटी राज्य स्तर पर एनसीईआरटी की तर्ज पर कार्य करती है और राज्य सरकार की नीतिगत मुद्दों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, मूल्यांकन में सहायता और स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के गुणवत्ता सुधार संबंधी गतिविधियों की सलाह देती है। बिहार बोर्ड पर लगा 2 लाख रुपए का जुर्माना। पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ के द्वारा मनोज कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को उनके गैर जिम्मेदार आचरण के कारण छात्रा के 2 शैक्षणिक वर्ष बर्बाद करने को लेकर 1 माह के भीतर 2 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया है और इसके साथ ही बतौर मुकदमा खर्च के रूप में 25,000 रुपए देने का आदेश दिया गया। बता दें कि आवेदक की ओर से बताया गया कि उसकी पुत्री ने 2017 में मैट्रिक परीक्षा दी थी, लेकिन उसे संस्कृत में फेल दिखाकर रिजल्ट दिया गया, जिसके बाद उसकी पुत्री ने सदमे में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन अब सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना में करीब 1.5 साल बाद बताया गया कि उनकी बेटी का संस्कृत में 77 अंक आया था, लेकिन दिया गया सिर्फ 3 अंक। बिहार के इस विधायक के घर में सांपों ने डाला डेरा। बिहार में इन दिनों कई ऐसे खबरें सुनने को मिल रही हैं, जिसमें यह सामने आ रहा है कि घरों से कई सांप बाहर आ रहे हैं। बता दें कि इन सांपों ने बिहार के बड़े नेता और AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के किशनगंज जिले के कोचा धामन प्रखंड के मौधो अहमदनगर स्थित आवास में भी अपना डेरा डाल दिया है। मालूम हो कि अख्तरुल ईमान के घर से सपेरे के द्वारा कई सांपों को बरामद किया गया, जिनमें 16 जिंदा सांप तो वही 6 मरे हुए सांप के बच्चे शामिल है। ऐसे में अब लोगों के मन में भय का माहौल पैदा हो गया है। बता दें कि सपेरे की से कहा गया है कि घर के अंदर और भी सांप हो सकते हैं, जिसकी खोजबीन जारी है। विजय सिंह के पीएम के वीडियो को लेकर सम्राट चौधरी ने पीएमसीएच अधीक्षक को लिखा पत्र। बीते 13 जुलाई को विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज मामले में बिहार के सियासी गलियारों में जमकर बयानबाजी चल रही है। अब इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा दिवंगत बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की हुई पोस्टमार्टम के वीडियो की मांग को लेकर पीएमसीएच के अधीक्षक को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि 13 जुलाई को बीजेपी के द्वारा शांतिपूर्वक निकाले गए विधानसभा मार्च में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें बीजेपी नेता विजय सिंह की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में शव का पोस्टमार्टम पीएमसीएच में किया गया है, इसलिए हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पूरा विवरण और वीडियोग्राफी दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विजय सिंह की मौत लाठीचार्ज होने की वजह से या चोट आने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। राजद विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ जारी हुआ जमानती वारंट। राजद विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ उत्तराखंड के चंपावत जिला के सीनियर सिविल जज के द्वारा चेक बाउंस मामले को लेकर गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है और साथ ही उनके बंध पत्र को निरस्त करते हुए गैर जमानती अधिपत्र भी जारी करने का आदेश दिया गया। बता दें कोर्ट की ओर से यह आदेश चंपावत जिला के पुलिस अधीक्षक को जारी किया गया है। मालूम हो कि इस मामले को लेकर इससे पहले कोर्ट के द्वारा उन्हें कई बार पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कोर्ट की ओर से यह कदम उठाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बच्चा पांडे के ऊपर उत्तराखंड के चंपावत जिला के थाना प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें धन सिंह ने राजद विधायक के द्वारा एक मामले में डील की गई थी, जिसमें चेक के माध्यम से पैसों की लेन देन की गई थी, लेकिन वह चेक बाउंस हो गया, जिसका बाद इसकी शिकायत धन सिंह ने दर्ज करवाई थी। सदन में हंगामा करने वालों को विधानसभा अध्यक्ष ने दी नसीहत। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा मोतिहारी में एक समारोह को संबोधित करते हुए सदन में हंगामा करने वालों को लेकर नसीहत देते हुए कहा गया कि मैं कठोरता के साथ नियम प्रक्रिया लागू करूंगा। सदन को बाधित करने की कोशिश की गई तो 1-2 बार मैं वार्निंग करूंगा, उसके बाद हंगामा करने वाले लोगों को नियम प्रक्रिया के तहत बख्शने वाला नहीं हूं। अब चाहिए मिलजुल कर सदन को चलाया जाए। उन्होंने कहा कि यह विमर्श की जगह है, झगड़ा करने की जगह नहीं है।
सदन में 243 माननीयों को देखने और उनकी सुनने के लिए आसन है, उनको देखूंगा, लेकिन विधायकों को अपनी जिम्मेदारी और दायित्वों को समझना चाहिए। अगर विधायक सरकार से जवाब लेते तो क्षेत्रों का विकास होता और आपका नाम भी होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। CBSE 9वीं से 12वीं तक 75% उपस्थिति अनिवार्य। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए 75% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगस्त से पहले सप्ताह से छात्र छात्राओं की नियमित उपस्थिति नहीं होगी तो आंतरिक मूल्यांकन में अंक काट लिए जाएंगे। बता दें कि इस संबंध में CBSE के द्वारा सभी स्कूलों को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की उपस्थिति हर दिन देखी जाएगी। अगर ऐसे में नियमित स्कूल नहीं आने वाले बच्चों की सूची संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में भेजी जाएगी। मालूम हो कि बोर्ड की ओर से यह कदम इसलिए गया है क्योंकि 11वीं और 12वीं के छात्र स्कूल जाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और साथ ही स्कूलों में फ्लाइंग सिस्टम को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच के 5वें दिन हो सकती है बारिश। भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्ट इंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच का आज आखिरी और 5वां दिन है। बता दें कि इस टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहली पारी में 438 रन बनाए गया, वहीं वेस्ट इंडीज की ओर से पहली पारी में केवल 255 रन बनाए गए। इसके बाद दूसरी पारी में टीम इंडिया के द्वारा 181 रन बनाए गए। इन सबके बीच चौथे दिन के खेल में बारिश के चलते काफी समय तक मैच रोकना पड़ा और खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने 2 विकेट के नुकसान पर 76 रन बनाए। ऐसे में आज भी weather.com की रिपोर्ट के अनुसार 80% बारिश होने की संभावना जताई गई है। उच्चतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस होने की आशंका है और ह्यूमिडिटी 81% तक रहेगा। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 109.74 रुपए और डीजल 96.36 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.30 रुपए और डीजल की कीमत 95.01 रुपए प्रति लीटर की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.61 रुपए और डीजल की कीमत 95.31 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.35 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.99 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मंजय कुमार, नौसद अंसारी, कृष्णा कुमार, अर्जुन राम, राजकिशोर महतो, मोहम्मद सकीर हुसैन, सदुल्लाह पलवी, नन्नू गोलू कुमार, गोनर शर्मा, मुटु रंगीला, रविशंकर, राधा सोनी, वैद्यनाथ कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज सावन की तीसरी सोमवारी के मौके पर आपके क्षेत्र के मंदिरों में कैसी रौनक रही। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।